अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि अब फुल नेम में अगर कोई बंदा अपना पूरा नाम लिख देता है, सपोज मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ राशिद अली, ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो वो नेक्स्ट वाला इनपुट ही नहीं ले रहा, देख रहे हैं आप, जब वो नेक्स्ट वाला इनपुट नहीं ले रहा तो मेरा डेटा कहाँ जा रहा है, मेरा वाला डेटा जो राशिद है वो असाइन हो जाता है फुल नेम पर, और अली असाइन हो जाएगा जो उसका नेक्स्ट होगा। अब नेक्स्ट में एक इंटीजर है तो उस पर अली असाइन नहीं हो पा रहा, और इसलिए मेरा इनपुट मॉड्यूल खराब हो गया और आउटपुट में सिर्फ फुल नेम आ रहा है, सैलरी जीरो हो रहा है, डिसेबिलिटी पे कुछ नहीं आ रहा, और ये भी जीरो है क्योंकि इनकी इनिशियल वैल्यू ये थी। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको एक वर्ड से ज्यादा इनपुट लेना है तो यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करेंगे आप सी इन की जगह पर। वो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, मैं इसको कमेंट्स कर रहा हूँ, उसके लिए आप फंक्शन यूज करेंगे गेट लाइन, और उसमें सी इन का एक पैरामीटर पास करेंगे और दूसरा पैरामीटर उस वेरिएबल को पास करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रन करेंगे, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। और अब देखिए आप, ठीक है, तो सी इन और गेट लाइन फंक्शन में फर्क इतना है कि सी इन फंक्शन लेगा स्ट्रिंग का इनपुट पर विदाउट स्पेस, अगर आपने स्पेस दिया तो वो इनपुट को स्टॉप कर देगा उस वेरिएबल पे, और अगले वेरिएबल जो भी होगा उस पे फिर अगला इनपुट देना शुरू कर देगा। गेट लाइन फंक्शन आपको इस बात का सलूशन देगा कि आप पूरे पूरे वर्ड सेंटेंसेस जो भी लिखेंगे वो पूरा का पूरा इनपुट लेगा किसके अंदर, उसी वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है ना, भले कितने स्पेसेस आप बीच के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये समझ में आ गया, लेकिन इसके और इसके मेथड में फर्क है, क्लियर, ठीक है, लेकिन गेट लाइन यूज होगा ये इस पे इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग्स के लिए, और सी एन इसके लिए भी यूज हो सकता है और इंटीजर के लिए भी यूज हो सकता है, और अगर डबल कोई वेरिएबल है उसके लिए भी, और सिंगल कैरेक्टर उसके लिए भी हो सकता है।